राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान में राजस्थान मिशन 2030 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मिशन 2030 जो है, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को जो हम लोगों ने उनसे आह्वान किया है, रिक्वेस्ट की है, उसके अकॉर्डिंग टू हर वर्क अपने विचार साझा करना चाहिए। मेरी अपील रहेगी तमाम प्रदेशवासियों से, छात्रों से, युवाओं से, विशेष रूप से महिलाओं से, इस प्रकार से हम जो है एक सपना देखा सबने 2030 का, उसमें हम लोग कहें जंप करें आगे बढ़ने का अंदर, जिससे कि रास्ता खुशहाल रास्ता मिले, क्या कि नई पीढ़ी का आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो, इस सपना देख के हमने ये अभियान शुरू किया है। मैं समझता हूँ पूरी राजनीति अलग करके सब लोग भागीदार निभाए और 2030 मिशन उसको कामयाब करने लगे, ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। सर, 2 महीने अभियान चलेंगे, किस किस में अभियान चलेंगे? अभियान बताया ना आपको अभी प्रेजेंटेशन के अंदर, ऐसे कंपनी बच्चे से करवाएंगे, मान लीजिए डिबेट करवाएंगे उनसे, उनके सपने क्या हैं, बच्चों ने भी भागीदार निभाई, देखा आपने अलग अलग बात बता दी। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि तमाम लोग क्या सोचते, महिला क्या सोचती है, मजदूर क्या सोचता है, हर वर्ग का व्यक्ति क्या सोचता है, मैं समझता हूँ उन सबको लेकर हम चाहेंगे कि ऐसा मिशन बने, डॉक्यूमेंट बने, उसको आधा बना के राजस्थान में फिर आगे आने वाले वक्त में काम हो सके। मेरा सर, विधानसभा चुनाव में इसको मिशन को साथ में मैनिफेस्टो के अंदर शामिल, ये कोई अलग कोई राजनीति का खेल नहीं है, राजस्थान की फ्यूचर का काम है, ये उसको हम इसी रूप में करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तमाम राजस्थान वासी भागीदारी पर मेरा ये रिक्वेस्ट।